राजस्थान की नंबर वन डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस एकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, आपको एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, फिजिकल कब तक हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए, आपके लिए भी इसमें कोई ना कोई खास बात होने वाली है। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। तो प्रोसेस आपको पूरा मैंने पहले भी कई बार बता दिया है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं पहले दिन से, जब से आपकी वैकेंसी नहीं आई है उससे पहले से आपके साथ हूँ, और वैकेंसी के बाद में आपको तैयारी कैसे करनी है, अभी फिजिकल आपका कैसा चल रहा है, फिजिकल आपको कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पर मैं आपसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ और लगातार हर चीज़ आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मैं आपको बता दूँ कि फिजिकल की तैयारी अभी आप कर रहे होंगे, दो तीन ऑप्शन आपके पास है फिजिकल तैयारी करने के लिए। सबसे पहले, अगर आपके रिटर्न में अच्छा स्कोर है, आपको खुद की तैयारी से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में लगातार बैचेज चल रहे हैं, यहाँ आके भी अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हो आप। हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। साथ में अगर आप ऑनलाइन अगर फिजिकल तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद में आप ऑनलाइन भी मेरे साथ फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कारण से अगर आप जयपुर नहीं आ सकते, गवर्नमेंट जॉब में है, आप खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप ऑनलाइन मेरे साथ फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे मामूली सा खर्चा भी अगर नहीं कर सकते तो उनके लिए यूट्यूब पे भी मेरी लगातार सारी क्लासेस चल रही है, वहां से आप बिल्कुल निःशुल्क भी फिजिकल तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स के लिए। अभी जैसे ही आपका फिजिकल के लिए कॉल होगा उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आपके पास फोटो वाली आईडी होगी वो आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो आपके पास होनी चाहिए, जो फोटो आपने आवेदन करते समय लगाई थी वो होगी तो ज़्यादा बेस्ट है, उसकी काफ़ी कॉपी आप अपने साथ रख सकते हो, 15-20 कॉपियाँ अभी से बनवा के रख लीजिए, फोटो की आपको कॉपी बना के पहले से रखनी है। साथ में आपको आईडी, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, वो कब मिलेगा, तो वो एडमिट कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू के टाइम में होगा और वहाँ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपीज आपको लेके जानी होगी। इसके अलावा अगर और कोई इंस्ट्रक्शन अगर इसमें होगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो आपको एडमिट कार्ड के साथ ही आपको इंस्ट्रक्शंस अलग से और मिलेंगे, तो अभी से आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपको एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ एक इंस्ट्रक्शंस और आएंगे कि फिजिकल के लिए आपको आते समय क्या क्या चीज़ें साथ लेके आनी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस भी देख के हम फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में फिजिकल कहाँ और कब होगा, तो फिजिकल दोस्तों डिपेंड करता है पुलिस डिपार्टमेंट पर। अभी RPSC ने जो बच्चे पास किए हैं फिजिकल के लिए उनकी एक लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेज दी है। अब पुलिस हेडक्वार्टर का काम है फिजिकल करवाना, कितनी जगह फिजिकल करवाई जाएंगी, एक दिन में कितने बच्चों का फिजिकल होगा, ये कैसे कैसे किया जा सकता है, ये सारी प्लानिंग होंगी और उसके बाद में ये डिसाइड होगा कि कितनी जगह हो सकता है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, ये जो बड़े बड़े जो संभाग मुख्यालय हैं यहाँ पर किए जाने की संभावना है अभी तक। इसके अलावा भी अगर ज़्यादा बच्चों की संख्या को देखते हुए ज़्यादा भी किया जा सकता है और कोरोना को देखते हुए कम भी किया जा सकता है, टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है, 5 दिन में भी सबके कराए जा सकते हैं और 1 महीने तक भी लगातार चल सकते हैं। ये क्या प्लानिंग होगी ये पुलिस हेडक्वार्टर पर डिपेंड करता है, उसके लिए आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कब तक होगा, तो फिजिकल के लिए भी वही सेम चीज है, पिछली बार जो फिजिकल कराए गए थे रिजल्ट आने के बाद लगभग 25 दिन के बाद करवा लिए गए थे, अभी भी लगभग 10-12 दिन के आसपास रिजल्ट आए हो चुका है, तो अब कभी भी हमें कोई भी सूचना मिल सकती है कि कब तक फिजिकल शुरू होने वाले हैं। वैसे जिस तरह से जैसा अभी माहौल जैसा अभी चल रहा है, इसके अनुसार राज्य सरकार ने कोरोना के लिए लॉकडाउन करने से मना किया है, तो अब पहले भी हमने देखा था कि
कोरोना के अंदर आरएएस के इंटरव्यू लिए गए, कोरोना के अंदर ही आपकी एग्जाम भी करवाई गई, दूसरी कई जो आर्मी की भर्तियां हैं वो भी कोरोना के अंदर करवा ली गई। तो अगर पूर्णतः लॉकडाउन अगर नहीं लगता है तो फिजिकल आपका कभी भी कराया जा सकता है, कोई भी डेट आ सकती है। अभी जो स्पोर्ट्स कोटा वाले जो फिजिकल कल से शुरू हो रहे हैं वो लगातार चलेंगे 16 तारीख तक, और उसके बाद में कभी भी कराए जा सकते हैं। तो हमें तैयार रहना है, जब भी होंगे तब आपको कभी भी सूचना मिल सकती है और उसके बाद में करवाए जा सकते हैं आपके फिजिकल, हमेशा हमें तैयार रहना है। अब इसके बाद में है कि एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो एडमिट कार्ड होगा वो अब राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिलेगा। आपको SSO ID से वो निकालना पड़ेगा और वो इंस्ट्रक्शंस आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके लिए कब मिलेगा, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं भी आपको YouTube के माध्यम से भी आप तक वीडियो पहुँचाऊँगा कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अचानक एक दिन में नहीं होगा, आप ये निश्चिंत रहिए कि अचानक आपको पता ही नहीं चलेगा और फिजिकल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हम भी बताएंगे और बाकी भी आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी मिलेगा, मैसेज भी आपको मिल सकता है आपके नंबर के ऊपर कि ये आपका एडमिट कार्ड है और डाउनलोड कर सकते हो आप इस साइट के माध्यम से। तो वो सारी जानकारी आपको उस टाइम दी जाएगी, कौन सी जगह होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये जानकारी आपको एडमिट कार्ड में मिलेगी कि आपका किस तारीख को है, किस पारी में है, सुबह है, दोपहर को है, या फिर कहाँ आपका सेंटर आया है, कहाँ आपको फिजिकल के लिए जाना है, किस आधार पे अलॉटमेंट होगा, ये भी किसी को नहीं पता होता है। ये सारी पॉलिसी होती है, ये गुप्त रहती है और बाद में पता चलता है, अल्फाबेट से होगा या रोल नंबर के अनुसार होगा, किस टाइप से होगा, कितने दिन में होगा, ये सारी चीज़ें बाद में डिसाइड होंगी। तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा, ये चीज़ आपको इसलिए समझानी पड़ी कि काफ़ी बच्चे हैं जो रोज़ कमेंट करते हैं, हर वीडियो में पूछते हैं कि सर कैसे हमें पता चलेगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब हमारा फिजिकल होगा, कब तक हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है। तो आज एक ही वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फ़ायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। बेस्ट ऑफ लक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार। राजस्थान की नंबर वन डिफेंस अकेडमी से ऑनलाइन फिजिकल तैयारी करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें रिम डिफेंस अकेडमी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।